शिवपाल का मायावती पर अटैक, कहा कुछ ऐसा मायावती सुनी होंगी तो बहुत गुस्सा आया होगा। अखिलेश जो नहीं कह पाए वो शिवपाल ने मायावती के खिलाफ कहा। अखिलेश सोच रहे होंगे क्या कहते थे उनके पिता मुलायम सिंह यादव। शिवपाल के विश्वास को जीत लो, समझो विरोधियों के खिलाफ आधी लड़ाई जीत ली। साल बीत गए, सपा नेता शिवपाल यादव ने उनके खिलाफ बड़ी बात कह दी थी। जो सपा के पितामह मुलायम सिंह के सियासी दौर में सपा की सबसे बड़ी दुश्मन हुआ करती थी, जिसकी पार्टी से उनका मुकाबला खूब हुआ करता था, तो आमने सामने आकर वार पलटवार होता था। वक्त बीता तो उनकी पार्टी गुमनाम होने की कगार पर पहुंची, तो फिर वो आक्रामक हुई, बीजेपी से ज्यादा सपा को अपने लपेटी में लेने के लिए तैयार हुई हैं। तो शिवपाल ने उनके खिलाफ बड़े दिनों के बाद बोला है, दिल खोलकर बड़ा आरोप लगाया। जी हाँ, सपा नेता शिवपाल यादव के निशाने पर इस बार बीएसपी प्रमुख मायावती हैं। पिछले 5 सालों में शायद ही कभी शिवपाल यादव की जुबान पर मायावती के खिलाफ शब्दों को निकलते देखा होगा। शिवपाल ने कभी मायावती के खिलाफ पिछले 5 सालों में शायद ही जुबानी हमला किया होगा जैसा उन्होंने इस बार किया है। शिवपाल ने मायावती पर बड़ा वार किया है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने बड़े दिनों के बाद अपने भतीजे अखिलेश यादव का दिल जीता है। अखिलेश के विश्वास के साथ अपने विश्वास का तालमेल बैठाया है और सपा में अपनी वापसी करवा ली है। सपा में शिवपाल जब से शामिल हुए हैं, उनकी वापसी हुई है, तब से वो आक्रामक हैं। कभी सीएम योगी को अपने निशाने पर लेते हैं, कभी बीजेपी पर वार करते हैं, तो कभी कुंडा के राजा भैया को निशाने पर लेते हैं। इस बार शिवपाल यादव के निशाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती हैं। अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में करने के बाद पहली बार शिवपाल यादव ने मायावती पर बड़ा वार किया है। शिवपाल यादव ने कहा, सभी लोग जानते हैं कि मायावती किससे मिली हैं और किसके लिए काम कर रही हैं। प्रदेश की जनता सबको जान चुकी है और अब कोई भी उनकी बातों में नहीं आने वाला। मायावती लगातार आरोप लगा रही कि सपा और भाजपा मिली भगत है इन लोगों की और इस तरह से ही ये लोग अपने प्लानिंग से काम कर। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, और सब लोग पूरे लोग समझ चुके हैं अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। निकाय चुनाव में कितनी सीटें आप ले जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे कार्यकर्ता, पूरी तैयारी करेंगे। चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू होकर के चुनाव हो और सरकार को कराना चाहिए। मायावती पर वार करने के बाद शिवपाल के निशाने पर योगी सरकार आ गई। शिवपाल ने कहा कि समाजवादियों ने पहले आरक्षण पाने के लिए लड़ाई लड़ी और अब आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब संघर्ष सड़कों पर चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को आयोग बनाकर समय पर आरक्षण लागू कर समय से चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले पिछड़ों का आरक्षण और फिर दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश की है। कुल मिलाकर शिवपाल यादव फ्रंट पर खेल रहे हैं, उनके निशाने पर वो सब हैं जो सपा के खिलाफ हैं, जिससे सपा की राजनीति को कभी खतरा हो सकता है। सपा को उस खतरे से बचाने के लिए शिवपाल यादव अखिलेश के लिए एक बड़ा अस्त्र बन चुके हैं, जिनके इस्तेमाल से कईयों की राजनीति तोड़ी जा सकती है।